कल हमने कोर्स की बात की थी, एक है वेस्टर्न थॉट, पेपर वन की बात करो, वेस्टर्न थिंकर्स हैं प्लस मुस्लिम थिंकर्स हैं, इनके ऊपर सवाल आते हैं बेसिकली चार और करने होते हैं दो। देन बेसिक कॉन्सेप्ट का एक सेक्शन है जिसमें स्टेट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के बारे में टॉपिक्स होते हैं, उस पर सवाल आते हैं तीन और हमने दो करने होते हैं। देन पेपर टू में जब जाते हैं तो उसमें यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, उन कॉन्स्टिट्यूशंस पे सवाल होते हैं, दो एक करना होता है। और फिर उसके बाद अगला जो सेक्शन होता है उसके अंदर डेवलपिंग स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जैसे टर्की है, जैसे इंडिया है, टर्की है, मलाइशिया है, ईरान है, चाइना है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लस पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, पाकिस्तान के करंट पॉलिटिकल इश्यूज, और पाकिस्तान की बनाने में तीन पर्सनैलिटीज का जो रोल है, जिना, इकबाल एंड सर सैद, वो है, और प्लस एक कोल्ड वॉर पे टॉपिक है, और एक टॉपिक है डिटरमिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। इन सबको मिलाकर पांच सवाल होते हैं और तीन करने होते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट थ्री आउट ऑफ फाइव क्वेश्चंस। ये आप जाएंगे तो सिलेबस में लिखा भी हुआ है सारे का सारा। इन पे सोर्सेज और कुछ बुक्स भी मैंने रिकमेंड की हुई हैं, वो बुक मैं से साफ में शेयर भी करनी है, मैं भूल गया था जवेरिया, आपने थैंक यू फॉर रिमाइंड करवा दिया, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट के जी मैं अभी आपको शेयर भी करवा दूँ बुक्स वाले से, तो वो बुक्स मैं आपको खुद शेयर कर दूँगा जी। जो कल बच्चे थे उनको बता दिया, मैं वेरी ब्रीफली दो तीन मिनट में जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ ताकि जो कल नहीं थे और जो बच्चे थे उनकी रिवीजन हो जाएगी और जो बच्चे नहीं थे उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। हमने स्टार्ट किया था प्लेटो से, 427 to 347 BC. Yes. प्लेटो की थोड़ा डिस्क्रिप्शन, लाइफ तो आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा वैसे भी किसी जगह से, लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। प्लेटो की सबसे इंपॉर्टेंट किताब का नाम याद रखना है, वो है रिपब्लिक। वैसे तीन किताबें हैं लिखी उसने, रिपब्लिक, लॉज, स्टेट्समैन, लेकिन उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है वो है रिपब्लिक। प्लेटो पे सवाल आता है यूजुअली उसका कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट, उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट, और उसने थियरी ऑफ आइडियल स्टेट दी थी। उसके पीछे दो बड़े फैक्टर्स थे, देयर वर टू रीजंस व्हाई ही गेव द थियरी ऑफ आइडियल स्टेट। वन, इसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, जल्दी से कोई बता दे यहां पे जो लोग कल मौजूद थे, जल्दी से। वन, यस, फायदा द डेथ ऑफ सोक्रेटिस, डेथ तो नहीं कहेंगे, एग्जीक्यूशन कहेंगे, उसका जो टीचर था प्लेटो का जिसको हम सोक्रेटिस कहते हैं, ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द एथेंस, और एथेंस के अंदर थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सोक्रेटिस डायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज कर रहा था और उस क्रिटिसिज्म की बुनियाद पे उसको एग्जीक्यूट किया गया स्टेट की तरफ से। सो प्लेटो बिकेम डिसिल्यूजनड विद अ सिस्टम दैट किल्ड हिज टीचर बिकॉज ही वॉज क्रिटिसाइजिंग अ पर्टिकुलर सिस्टम, और उसके उस बात पे एग्जीक्यूट कर दिया गया। सो प्लेटो ने हथियार नहीं उठाए स्टेट के खिलाफ, उसने कलम उठाया, एंड ही स्टार्टेड सेइंग दैट दिस डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ बैड सिस्टम, देन व्हाट इज अ गुड सिस्टम। He then produced the theory of ideal state. He developed the ideal state because he was disillusioned by the atrocities committed by direct democracy by Athens. दूसरी वजह थी the Peloponnesian War, जो आप लोगों ने लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा। Peloponnesian War हुई, एक वार हुई Athens की Sparta के साथ। Athens lost the war, Sparta won the war. So Plato found another reason to criticize the Athens direct democracy. Uska laga ye jo direct democracy hai, it could not protect Athens from Sparta. Sparta was a dictatorship, Athens was a democracy. So he criticized the Athenian system that it's a bad system because it could not defend Athens. If it is a bad system, what is the good system? The ideal state. Ideal state ki dene ki wajah, ye do wajah bani। अब फिर हमने थ्योरी स्टार्ट की, वी स्टार्टेड विद थ्योरी,
एंड इन वन मिनट प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट बिगिंस विद हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस. प्लेटो कहता है दैट जस्टिस इज द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, आइडियल स्टेट. आइडियल स्टेट होगी उसकी फाउंडेशन होगी जस्टिस. अब जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है, लेट्स सी. उसने कहा जी जस्टिस का कॉन्सेप्ट ये है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ह्यूमंस को. जिसने साथ में लिखा ट्राइपार्टाइट नेचर ऑफ द सोल, उसने कहा इंसान जो है उसके अंदर तीन बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं. इंसान की सोल के अंदर तीन इंस्टिंक्ट होती हैं, लस्ट होती है, डिजायर होती है, नहीं लस्ट और डिजायर एक ही है उस्मान, लस्ट या डिजायर, करेज और साथ में रीजन या विजडम. करेज को हम स्पिरिट भी कहते हैं, लस्ट, करेज एंड विजडम, ये तीन होती हैं इंस्टिंक्ट्स. और यही हर इंसान में मौजूद होती हैं, बट एक कोई ऐसी होती है इंस्टिंक्ट जो डोमिनेंट होती है. कोई एक इंस्टिंक्ट ऐसी है जो कि इंसान को उसकी सोल को डोमिनेट कर रही होती है. कुछ में लस्ट होती है, कुछ में करेज होता है, और कुछ में जो है वो विजडम होती है. उसने कहा कि जो मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी है उनके अंदर होती है लस्ट डोमिनेंट, और उससे कम लोग होते हैं जिनमें करेज डोमिनेंट, और लीस्ट नंबर ऑफ पीपल आर दोज इन विच विजडम इज डोमिनेंट. सो मेजॉरिटी लोग बेवकूफ होते हैं, कुछ लोग करेजियस होते हैं, और बहुत ही कम लोग हैं, रेयर लोग हैं जो कि अकलमंद लोग होते हैं. सो ही सेज कि अगर इंसानों को माशरे में तीन तरह के इंसान होते हैं, जो बेवकूफ, अकलमंद, नहीं बेवकूफ नहीं, अकलमंद, लालची, और साथ में तीसरे जो हैं वो ब्रेव लोग, करेजियस लोग. तो वो कहता है इन तीनों लोगों को उनकी इंस्टिंक्ट के हिसाब से अगर वर्क दिया जाए स्टेट के अंदर, वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स. जिनमें लालच है उन्हें आर्टिजन बना दें, हाथ से काम करने वाला बना दें, और फिर दूसरे वो लोग जिनमें करेज है उनको मिलिट्री में भेज दें, और जिनमें विजडम है उन्हें भिजवा दें, आप रूलर बना दें, ये तीन तरह का काम करा दें, तो दिस इज द बेस्ट वे टू डील विद देम. जी ये तीन क्लासेस बन जाएंगी, मिलिट्री वाले लोग, आर्टिजन लोग, और विजडम वाले लोग, ये रूलर जो हैं, और हर एक में एक इंस्टिंक्ट डोमिनेट है. तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी वर्कर्स, सम विल जॉइन मिलिट्री, वेरी फ्यू विल बिकम रूलर्स. जब वेरी फ्यू विल बिकम रूलर्स तो वो डेमोक्रेसी तो नहीं होगी. सो ही रिजेक्टेड डेमोक्रेसी बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर लस्टफुल, आर करेजियस, बट दे लैक विजडम. आसान लफ्जों में अब ऐसे आपसे पूछ रहा हूं, प्लेटो की आइडियल स्टेट में, ये पेपर में लिखेगा नहीं, माशाल्लाह हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. कैसे हो सकता है? जो सोल्जर्स हैं उनमें विजडम नहीं होती, ये उसने कहा, मैंने नहीं कहा, मुझे कुछ ना कहिएगा. ही सेड मिलिट्री, उसके अल्फाज हैं, जो लोग मिलिट्री में जाएंगे उनके, हमारे मॉडर्न दौर की बात नहीं कर रहा प्लीज, दे हैव करेज बट दे हैव नॉट विजडम. जो ये नहीं कि वो मिलिट्री में है तो विजडम नहीं है, बल्कि उनमें विजडम नहीं है तो मिलिट्री में, वो ये कह रहा है. और जिनमें जो रूलर्स हैं दे हैव द विजडम. ये उसने कहा ऐसा होना चाहिए, उसने कहा दिस शुड हैपन, है नहीं होना चाहिए, ये वो कह रहा था. बट ये जस्टिस है जी, जो लोग नहीं आए थे कल, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैंने कोशिश की जल्दी से एक ओवरव्यू दे दूं. बट अगला सवाल ये था, हमने जस्टिस तो देख लिया, थोड़ी सी समझ आई है बच्चों को जो लोग कल नहीं थे, थोड़ा सा आइडिया मैंने कोशिश की उसको. ओके नाउ इसको पढ़ेंगे, इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा पॉइंट इज, ये तो उसने कहा ऐसा होना चाहिए, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जिसमें जो इंस्टिंक्ट डोमिनेंट हो उसको वो रोल प्ले करना चाहिए. सवाल ये है, यस एग्जैक्टली, उमर ने एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक डिफाइन किया. इफ पीपल प्ले रोल अकॉर्डिंग टू देयर डोमिनेंट इंस्टिंक्ट इट्स कॉल्ड जस्टिस. मैंने बुक्स जो रिकमेंड किए हैं जी, वो मैं आपको रीडिंग शेयर करूंगा, नोट्स नहीं है, बुक्स हैं, वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ. फातिमा डोंट नीड टू वरी, आगे बहुत आसान है, ये अभी आपको बहुत आसान लगेगी. अच्छा एक प्लीज सुन लें, जो लोग कल नहीं थे, हमारा पैटर्न ये होगा, नाउ आई वुड स्टार्ट लेक्चरिंग जी. हमारे पास एक घंटा छः मिनट है, सो आई वुड बी स्पीकिंग फॉर एटलीस्ट 40 मिनट्स. दरमियान में आप क्वेश्चन लिखेंगे, अगर मुझे लगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आंसर करूंगा, अगर मुझे लगा रेलिवेंट नहीं है आई विल नॉट आंसर, बट यू कैन आस्क दैट इवन इरेलिवेंट क्वेश्चन एट द एंड. आखिरी 15 मिनट में आप वो सवाल पूछ सकते हैं. सवाल, इज इट ओके?
ये कल भी मैंने बताया था, मैं आज फिर रिपीट करूं ताकि हमारा टाइम जो है वो इससे जाया ना हो सर। आप जरूर पूछिएगा, अगर मुझे लगा कि वो रेलेवेंट है मैं आंसर कर दूंगा, अगर मैं नहीं कर रहा तो डोंट माइंड कि मैं आपको इग्नोर करूं, मुझे लगेगा सवाल रेलेवेंट नहीं है तो मैं उसको नहीं आंसर करूंगा, ठीक है। ओके, सो आई गेस यू शुड ट्रस्ट मी कि मैं कौन सा सवाल मुझे रेलेवेंट लग रहा है या नहीं लग रहा। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे इस बात को। जस्टिस से आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन वॉज जस्टिस तक हमने कर लिया, अब ये जस्टिस पता कैसे चलेगा किस इंसान में कौन सी इंस्टिंक्ट डोमिनेंट है, हाउ टू नो दैट, कैसे पता चलेगा। In order to answer that question, in order to know, Plato introduces the scheme of education. ये उसकी philosophy या theory है, implementation हुई ना हुई हम आखिर में जाके देखेंगे। वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं justice हो, यानी लोग वही काम करें society में जिन जिनके बारे में उनकी natural instinct support कर रही हो, तो उसके लिए आपको education सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। प्लेटोज एजुकेशन स्टार्ट्स विद बर्थ, बर्थ से स्टार्ट होती है और तीन फेजेस में डिवाइड है। देयर आर थ्री फेजेस। फर्स्ट फेज बिगेन्स फ्रॉम बर्थ अप टू सिक्स इयर्स, सॉरी सिक्स नहीं है, फर्स्ट फेज बिगेन्स फ्रॉम बर्थ टू 18 years. From birth to 18 years, first phase hoga. In this first phase, it is subdivided into two. From birth to 6 years, and then 7 to 18 years. Birth to 6 years, and then 7 to 18 years. ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। बर्थ टू सिक्स इयर्स का जो पीरियड है, ड्यूरिंग दिस फर्स्ट सब फेज अ चाइल्ड बॉर्न शैल बी टॉट बाय द स्टेट अपॉइंटेड मदर। उसको कौन करेगा? स्टेट अपॉइंटेड मदर उसकी नरिशमेंट करेगी। वो क्या नरिशमेंट करेगी बर्थ के बाद? शी विल एक्चुअली नरेट द स्टोरीज ऑफ ग्रीक्स ब्रेवरी करेज एंड वॉर्स एटसेट्रा। उन्हें किससे सुनाएगी? ग्रीक्स के बहादुरी के, पास्ट के, इसको मिली नगमे कह लें, स्टोरीज कह लें। शी विल सिंग द सॉन्ग्स, शी विल नरेट द स्टोरीज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ द गॉड्स, मिथोलॉजी, जो भी एक किस्म की चीजें हैं, शी विल टीच दैट काइंड ऑफ थिंग्स। छह साल के बाद कौन करेगा? स्टेट अपॉइंटेड मदर, नॉट द नेचुरल मदर। रियासत एक अपॉइंट करेगी मदर और वो उसको ट्रेन करेगी। एट द एज ऑफ सिक्स, आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ सिक्स, फ्रॉम 7 ईयर्स ऑनवर्ड्स द चाइल्ड विल गो टू स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल में the child will be enrolled. And when the child will be enrolled in a public school up to 18 years of age, during this time the child will be taught with by literature, usse literature padhaya jayega, music sikhaya jayega, and he shall also be taught with gymnastics. जिमनास्टिक्स होंगी, उसे लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, पोएट्री और म्यूजिक, स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑफ ग्रीक्स, ऊपर हमने नहीं भी लिखा हुआ। अच्छा, नाउ सुनिएगा पॉइंट जरा और से। जो म्यूजिक और लिटरेचर है दैट विल बी सेंसर्ड इन द सेंस ओनली दैट म्यूजिक, ओनली दैट लिटरेचर दैट will create the sense of patriotism, sense of loyalty towards Greeks. State ki hawale se, state ki loyalty ke hawale se, is tarah ka music aur literature hoga, jisko hum mili nagme kehte hain, mili nagme honge, is tarah ka literature jo hai wo use padhaya jayega, modern daur mein use ARY dikhaya jayega sara।
स्टेट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी की सारी उसे पढ़ाई जाएंगी। नाउ 18 ईयर तक जिमनास्टिक्स से क्या मतलब है? जिमनास्टिक्स से मतलब है मिलिट्री स्पोर्ट्स, एंड मिलिट्री स्पोर्ट्स मींस उसे हॉर्स राइडिंग, उसे काइंड ऑफ सोर्ड फाइटिंग, ड्यूअल्स, इस फिजिकल ट्रेनिंग, एग्जैक्टली इट्स अ फिजिकल ट्रेनिंग, आर्चरी वगैरह, इस तरह की चीजें उसे सिखाई जाएंगी। So gymnastics is not a sport, it's like a strengthening his physical organs and trying to train him in the military sense. After 18 years, there shall be an examination that would last for 2 years. 19 or 20 years mein, special focus shall be on the military training, and through military training, there will be an examination. एग्जामिनेशन होगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा 2 years तक। नाउ व्हेन ही स्टार्टेड द पर्सन, जो भी लोग होंगे जब वो 20 साल तक ट्रेनिंग ले लेंगे, एग्जाम कर लेंगे, तो एग्जाम में दो किस्म के रिजल्ट्स आते हैं, या लोग होते हैं पास या होते हैं फेल। दोज हु विल पास द एग्जाम एट द एज ऑफ 20, जो लोग पास होंगे एग्जाम में, दे विल गो टू द सेकेंड फेज। दोज हु फेल विल बिकम आर्टिजन्स, जो फेल होंगे दे विल बिकम आर्टिजन्स। एक दफा फिर रिपीट करूं, बर्थ से 6 years तक वो पढ़ेंगे, उनको लोरियां सुनाई जाएंगी, पोएट्री कह रहा हूं, स्टेट की बहादुरी के किस्से, गॉड्स के किस्से, गॉडेसेस के किस्से, उसे एक पेट्रियटिज्म डेवलप किया जाएगा, फेथ डेवलप किया जाएगा। 7 से 18 ईयर्स में स्कूल में जाएगा जहां जिमनास्टिक्स और सेंसर्ड लिटरेचर, 19-20 में मिलिट्री ट्रेनिंग भी होगी और साथ एग्जाम होगा। एग्जाम में जो फेल होंगे दे विल बिकम आर्टिजन्स, एंड दोज हु पास विल गो टू द सेकेंड फेज। सोच के बताइएगा, मेजॉरिटी विल फेल और मेजॉरिटी विल पास, मेक अ गेस। मेजॉरिटी फेल जी, क्यों फेल? फेल वाले ठीक हैं, क्यों? क्योंकि उसने कहा था सोसाइटी की मेजॉरिटी वो होती है जिनमें लस्ट होती है, और जिनमें लस्ट होती है वो बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? आर्टिजन। तो अगर जो आर्टिजन है मेजॉरिटी फेल होगी तो आर्टिजन बनेंगे ना, अगर मेजॉरिटी पास हो जाएगी तो फिर आर्टिजन तो कम लोग होंगे। डज इट मेक सेंस? लॉजिक समझ आ रही है? उसके जस्टिस में उसने कहा कि जो, सुन लीजिएगा, उसने जस्टिस में कहा जी कि जो मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी है उनमें होती है लस्ट और वो होते हैं आर्टिजन्स। जस्टिस में कहा उसने, अगर मेजॉरिटी आर्टिजन होते हैं तो एग्जाम में फिर मेजॉरिटी फेल होंगे तो आर्टिजन बनेंगे। दैट्स सिंपल आइडिया, जैसे सीएसएस में होता है। ये मैंने नहीं लिखा, आप में से किसी ने यहां पे लिखा है कि सीएसएस में मेजॉरिटी फेल हो जाती है। आप में से भी बहुत से लोग होंगे आर्टिजन बनने के लिए, बट वेरी फ्यू, मेजॉरिटी विल फेल, फ्यू विल पास। Those who will pass go to the second phase, and the second phase begins at the age of 21 and it will continue up to 35 years. 21 से 35 years तक hardly 3-4%, 6% से ऊपर रिजल्ट नहीं आता, 6% भी आ जाते कहते हैं बड़े ज्यादा पास हो गए लोग, कुछ सीएसएस की बात है, यहां पर नंबर उसने नहीं दिया। नेक्स्ट 15 ईयर में द चाइल्ड, अ चाइल्ड तो नहीं कहना चाहिए, जो बंदा है, द पीपल, द ग्रोन अप किड्स, दे विल बी टॉट विद बाय बेसिक साइंसेस, फिलोसफी, इन मैथमेटिक्स, एज वेल एज द जिमनास्टिक्स और द मिलिट्री ट्रेनिंग विल कंटिन्यू। मिलिट्री ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगी, साथ उनको मैथमेटिक्स, फिलोसफी, साइंसेस, बेसिक्स पढ़ाई जाएंगी 15 साल तक।
आफ्टर 15 ईयर्स, अब लिटरेचर निकल गया, लिटरेचर यहां से निकाल दिया, आफ्टर 15 ईयर्स देयर विल बी अनदर एग्जाम. And those who pass the exam will go to the third phase. And those who fail will become military. ये वाहिद एग्जाम है जिसमें फेल होने पर नौकरियां मिल रही हैं. यहां भी फेल होने पर नौकरियां मिली हैं, यहां भी फेल होने पर नौकरी मिल गई मिलिट्री में. That's the rule. वो ये ऐसे प्रपोज कर रहा है. अच्छा, अगला पॉइंट आपसे, यहां पे जो सेकंड फेज में बच्चे आएंगे इसमें मेजॉरिटी पास होगी या फेल होगी? फेल, मेजॉरिटी फेल होगी, बिकॉज सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आर फ्रॉम द मिलिट्री. सेकंड लार्जेस्ट नंबर वो लोग वही हैं और वो मिलिट्री में है. वेरी वेरी फ्यू, वेरी फ्यू विल पास the exam and go to the third phase, and the third phase will start from 36 and will continue up to 50 years. They will not become rulers, Kiran. They will not pass hone wale ruler nahi banenge. Pass hone wale third phase mein jayenge. Aur third phase will continue for next 15 years. 50 years tak, 15 saal mazid education lenge. In those 50 years, in those 15 years, these people will be taught with by advanced philosophy, advanced mathematics, advanced sciences, and in addition to that, they shall also be attached with the existing rulers. Phir repeat karo. Isme advanced philosophy, advanced mathematics, advanced logic, plus they will be attached with existing rulers. जिसको आप क्या कहते हैं, अटैचमेंट ही कहते हैं CSS में जाके. वैसे तो आप इंटर्नशिप कह लें, जो भी कह दें, sort of. तो somehow they will be that way. अच्छा, अब सवाल ये है, यूटीशिप, हाँ, इसको CSS में यूटीशिप, आजकल हर बंदे ने PMS लगाए हुआ है, ACUT लगाए हुए हैं आजकल सारे. Attached with the existing rulers. Existing rulers. Now, in 15 saal mein philosophy, mathematics, sciences, gymnastics nikal gayi. Ab soldiers chahiye nahi. At the age of 50, ab koi exam nahi hoga. No exam. After completing 50 years, ab ye lafz gaur se suniyega jo main keh raha hu. After the age of 50 years, those who will pass, they are eligible to become the rulers. They are eligible to become rulers. And one out of them shall be chosen as the philosopher king. वो जो बहुत ही कम लोग रह गए थे, जो बहुत ही कम लोग रह गए थे, अब उनका एग्जाम नहीं होगा 50 साल के बाद. अब क्या होगा, मैंने शायद फेल का कहा ही नहीं, did I say fail? 50 साल के बाद कोई एग्जाम नहीं होगा. Those who complete 50 years, they are eligible to become rulers. And secondly, one of them shall be chosen as the philosopher king. उसने नहीं बताया कैसे चूज होगा, हम नहीं लिखेंगे. मैंने कल एक जुमला बोला था कि आपने फिलोसफर नहीं बनना, याद आपको ये बात? आपने कोई चाहे उसको पीएम लिख दें, प्रेसिडेंट लिख दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. उसने जो कहा मैंने आपको बता दिया, उसने जो नहीं कहा आप गेस करते रहे, बट उसने कहा एनी वन ऑफ देम कैन बी चोजन एज फिलोसफर किंग. दिस इज सिंपल, इज इट क्लियर? दिस इज हिज एजुकेशन स्कीम जी. एंड इफ यू सी, बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन स्कीम वी गॉट 3 क्लासेस, वी गॉट रूलर्स, वी गॉट मिलिट्री, वी गॉट ऑटिज्म. Majority of the people are artisans, some military, very few are the rulers. Achha, is education ke teen features likhe apne paas. This education scheme has 3 features according to Plato. Uske nazdeek 3 features hain.
लिखें अपने पास. वन, दिस एजुकेशन इज स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन. स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन का मतलब यह है कि ये वो एजुकेशन है जो कि स्टेट इंस्टीट्यूशन में ली जा सकती है. प्राइवेट एजुकेशन इज बैंड. सेकेंड फीचर, दिस एजुकेशन इज कंपल्सरी ऑन ऑल सिटीजन्स. जो भी शहरी होंगे, इट इज कंपल्सरी ऑन देम टू एनरोल इन एजुकेशन. एवरीबडी मस्ट बी एनरोल्ड. कंपल्सरी है, स्टेट विल इंश्योर दैट. थर्ड, इट इज हैविंग इक्वेलिटी फॉर मेन एंड वुमेन. मेन कैन गेट देम गेट एजुकेटेड, वुमेन कैन गेट एजुकेशन. दोनों एजुकेशन ले सकते नहीं, दोनों के लिए कंपल्सरी है, ऑप्शन ही नहीं है. इट्स कंपल्सरी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. सो मेन एंड वुमेन कैन बी आर्टिजन्स, मेन एंड वुमेन कैन बी मिलिट्री, मेन एंड वुमेन कैन बी द रूलर्स. इज इट क्लियर? ये समझ आ रही है? तीन फीचर मैंने बताए जी. वन, इट इज स्टेट कंट्रोल्ड. सेकेंड, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीबडी. एंड थर्ड, इट इज इक्वली कंपल्सरी फॉर मेन एंड वुमेन. दैट्स इट. उससे पहले वुमेन को अलाउ नहीं होता था वहां पे, उसने थ्योरी में कहा कि अलाउ है. ये थ्योरी है, कभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है, सिर्फ थ्योरी है. सॉरी, दिस इज वॉट इज हिज एजुकेशन स्कीम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट पॉइंट इज हिज स्कीम ऑफ कम्युनिज्म. साथ आपका सवाल जो है इसमें आएगा भी आपका. नाउ लेट्स सी द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म. मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं. अच्छा, आपके सवाल आ रहे हैं, मैं कुछ देख रहा हूं, बट मैं उससे देता रहूंगा, जवाब देता. वट इज स्टेट कंट्रोल एजुकेशन? जाहिद, इज इट नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी? स्टेट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जहां प्राइवेट एजुकेशन अलाउड नहीं होती, स्टेट ही दे सकती है. मतलब प्राइवेट तालीम इदारे नहीं होंगे, आसान लफ्ज़ों में, सिर्फ गवर्नमेंट के तालीम इदारे होंगे, पब्लिक स्कूल होंगे. एग्जैक्टली, प्राइवेट बैन हो जाएगी. अच्छा, अगला पॉइंट कम्युनिज्म. इस पॉइंट पर जरा गौर सुनने का, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कम्युनिज्म का जो आइडिया है, ये हमने तो मार्क्स के साथ सुना था, कार्ल मार्क्स के साथ सुना था, बट कार्ल मार्क्स की थ्योरी तो बाद में हम पढ़ेंगे जाके, बहुत बाद में आई, 2000 साल बाद आई. बट प्लेटो ने जब अपनी जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया, तो जस्टिस के साथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए एजुकेशन की स्कीम दे दी, कि जस्टिस को इम्प्लीमेंट करना हो तो ये एजुकेशन स्कीम चाहिए होती है. और एजुकेशन स्कीम जो है वो, अगर मैं आपसे पूछूं तो उसमें एजुकेशन स्कीम के तहत कितनी क्लासेस बनेंगी? हाउ मेनी क्लासेस आर क्रिएटेड? तीन क्लासेस क्रिएट हुई. पहले फेज के बाद पहली क्लास क्रिएट हुई, दूसरे फेज के बाद दूसरी क्लास क्रिएट हुई, तीसरे फेज के बाद तीसरी का. हर फेज ने एक क्लास क्रिएट की. तीन फेजेस हैं, तीन क्लासेस हैं. ये बेसिक असूल है मेरे को. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला सवाल यह है कि इन तीन क्लासेस का बिहेवियर कैसा होगा? आप में से किसी अब पूछा था कि उसका काम क्या होगा, रूलर का, किंग का, वो यहां कवर हो जाएगा. इन क्लासेस का इनको गवर्न कौन करेगा? व्हाट शुड बी द रूलिंग गवर्निंग प्रिंसिपल्स? ये किन असूलों को फॉलो करेंगे ये तीनों क्लासेस? यहां पे वो इंट्रोड्यूस करता है द स्कीम ऑफ कम्युनिज्म. द कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो इज एक्चुअली द प्रिंसिपल्स, the rules that apply on the social classes. ये जो तीन किस्म के लोग हैं, ये जो तीन क्लासेस हैं, इनके ऊपर कुछ रूल्स डिफाइन किए गए और वो कम्युनिज्म में डिफाइन करता. गौर से सुनिएगा, आसान है, छोटे हैं, बट आपको अगर समझ नहीं आएंगे तो मुश्किल, बट बड़े आसान से हैं, कोई मुश्किल नहीं है.
One, there's two kinds of communism. पहले को हम कहते हैं communism of property. Communism of property. ये गौर से सुनिएगा प्लीज. आसान आप लिखते हैं ना तो फिर जब लिखते हैं तो आप सुन नहीं पाते तो आप दोबारा पूछना पड़ता है आपको. सुनिएगा प्लीज. Communism of property means that the upper two classes, Plato का communism याद रखिएगा वो तीनों पे अप्लाई नहीं होता. It is only applied to upper two classes. Upper two classes कौन सी हैं? What are the upper two classes? Anybody? Military and rulers. तो ये artisan पे अप्लाई नहीं होगा. ये याद रहेगी बात. कोई भी कम्युनिज्म अप्लाई नहीं होगा. दोनों टाइप्स अप्लाई नहीं होंगे. अब पहली बात मैंने की कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी. कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी मींस दैट द अपर टू क्लासेस यानी रूलर्स एंड द मिलिट्री दे शैल नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी विद देयर नेम. द अपर टू क्लासेस आर नॉट अलाउड टू ओन एनी प्रॉपर्टी. लैंड, कैश, houses, nothing. They cannot own a single penny. कोई लैंड नहीं रखेंगे, कोई घर नहीं रखेंगे. गाड़ियां तो होती नहीं थी उस जमाने में. कोई इस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास ओन नहीं करेंगे. इसको हम कहते हैं कॉमन रेनंसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. नॉट इवन पापा जॉन्स. एग्जैक्टली. कॉमन रेनंसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. रेनंसिएशन कहते हैं रेनाउंस करना, डिसओन करना. सारे अपर टू क्लासेस दोनों मिलकर रिजेक्ट कर देंगी प्रॉपर्टी नहीं रखनी. दे विल नॉट बी ओन. योगी चॉइस नहीं है. अकॉर्डिंग टू प्लेटो दिस इज अ कंपल्सरी रूल ऑन द अपर टू क्लासेस. दे विल हैव टू. इज इट क्लियर? कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी आसान है. दोनों एक पैनी भी नहीं रखेंगे. सर्वाइव कैसे करेंगी? मेक गैस खुद ही कर लें. कैसे जिंदा रहेंगे? ऑब्वियसली स्टेट उनको खाने के लिए घर दे देगी, खाने के लिए खाना दे देगी, रहने के लिए घर दे देगी, आप जो भी चीजें हैं उनको दे देगी, बट पैसे नहीं देगी. बी अलाउंस भी नहीं. अलाउंस कुछ नहीं. पैसे नहीं. नो कैश, नथिंग. ओनरशिप कुछ नहीं होगी. खाना दे देगी, पीना दे देगी, सब कुछ. बी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट. कम्युनिज्म ऑफ फैमिली. कॉमन रेनंसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. अच्छा, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली इससे क्या मतलब है? कम्युनिज्म ऑफ फैमिली मींस द अपर टू क्लासेस रूलर्स एंड मिलिट्री दे शैल नॉट बी अलाउड टू मैरी. They are not allowed to have private family. शादी नहीं कर सकते, property नहीं रख सकते और साथ में marriage allowed नहीं है, family नहीं रख सकते. अच्छा, ये please गौर से सुनिएगा, बड़ा important point है. होगा ये, सुनिएगा प्लीज. अगर फैमिली नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमें देखना पड़ेगा कि प्लेटो नोज कि आप ह्यूमन एवोल्यूशन है, आपको जो नस्लें आती हैं वो हाउ विल दैट वर्क आउट. देन प्लेटो प्रोवाइड्स अ स्कीम. ही गिव्स अ स्कीम. ही सेज एंड लेट मी एक्सप्लेन जी. उसने कहा कि जो अपर टू क्लासेस के लोग हैं, द पीपल ऑफ द अपर टू क्लासेस, they shall be allowed to choose the partner with similar intellect, with similar kind of mental capabilities. They will choose the partner who will be of the similar mental capabilities and they will be allowed to mate with each other. They will be allowed to live together for some time. And when a woman gets pregnant, she will be separated. She will be separated
एंड व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न तो वो कहां जाएगा? आपको मैं पहले बता चुका हूं वेयर द न्यू बॉर्न चाइल्ड विल गो. नन ना कहे नन, स्टेट अपॉइंटेड मदर के पास एजुकेशन में चला जाएगा, स्टेट कंट्रोल कर लेगी. फेज वन में नो अप द चाइल्ड बॉर्न विल नॉट नो द फादर, फादर विल नॉट नो द चाइल्ड, nobody would know. So the kind of family that they have, they will know be, there will not be a such a family. That's a simple idea. So no private family. हाँ, एक intellect के लोग upper two classes के mate कर सकते हैं, और mating के बाद if the woman gets pregnant she can be separated and the person can, the people can mate with somebody else. अगली दफा वो किसी और से मेट कर सकते हैं and they can keep on mating. अगर different होते रहेंगे, बच्चे पैदा होते रहेंगे, वो स्टेट के पास जाते रहेंगे, the life will go on. What about artisans? इसको अच्छा, इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं communism of family को हम कहते हैं, we call it the marriage is allowed. नहीं अच्छा, ये याद रखिएगा, you can't live like one family. अच्छा, this is called common ownership of the family. कॉमन ओनरशिप क्यों कहते हैं? बिकॉज एनीबडी कुड बी योर चाइल्ड, एनीबडी कुड बी द फादर, एनीबडी कुड बी द मदर. कॉमन ओनरशिप, दैट्स अ सिंपल आइडिया. अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है, दो तीन सवाल है, बल्कि जवाब दीजिएगा प्लीज. आर आर्टिजंस अलाउड टू हैव फैमिली एंड प्रॉपर्टी? यस दे आर. कैन दे मैरी? यस दे कैन, शादियां कर सकते हैं. अब यू हैव 3 seconds टू आंसर, सोच के जवाब दीजिएगा. सुन, सोच के जवाब दीजिएगा 3 सेकंड में. ये प्लेटो ने नहीं कहा, हम एज्यूम करेंगे, हम फिलोसोफर बनते हैं थोड़ी देर के लिए. व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर आर्टिजंस? 3 seconds. ट्वेंटी प्लस इज द करेक्ट आंसर जी. 21 वाले भी मैं, आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सेइंग इट, 30 नहीं हो सकता, 20 प्लस. क्यों? 20 इयर्स के एज में इफ यू फेल एन एग्जाम यू कैन मैरी, इफ यू पास एन एग्जाम यू कांट मैरी. इफ यू फेल एन एग्जाम तो आप, यू कैन ओन प्रॉपर्टी, यू कैन मैरी. And if you pass the exam, you can not own the family, you cannot own the property. This is what he says, ji, and this is what we call his theory. आज मैं दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जरा ऐड कर लें, बहुत जरूरी है, जो पहले भी बात की थी. प्लेटो कहता है इफ, प्लेटो सेज दैट इफ a child is born with disability, if a child is born with disability, then he must be executed, he or she, usko execute kar diya jaye. If a child is born with disability, execute kar de usko. Acha, kyun kar de bhai? Usne kaha, because agar disability hogi, then can he go through education? क्या वो एजुकेशन ले सकता है? उसको मिलिट्री ट्रेनिंग करवा सकते हैं? नहीं. तो प्लेटो के नजदीक जो उसकी डिसेबल्ड चाइल्ड है, ही कैन नॉट बी प्रोडक्टिव फॉर द स्टेट, ही कैन नॉट वर्क फॉर द स्टेट, एंड देयरफॉर ही मस्ट बी एग्जीक्यूटेड. बिकॉज ही कैन नॉट वर्क फॉर स्टेट, ही इज यूजलेस, फेंक दे उसको उठाकर. That's a simple idea. Again, he's a burden, liability on the state. So that's how it works out. अच्छा, एक और चीज, ये लफ्ज जरा गौर से सुनिएगा और मुझे प्लीज इसका बताइएगा, आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही. नाउ द क्वेश्चन इज, जो प्लेटो है उसकी आइडिया, ये जो स्टेट है, इससे हम कुछ इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, हम कुछ आइडियाज निकाल रहे हैं. इस स्टेट में एक आपने लफ्ज सुना है, हैव यू हर्ड दैट एनालॉजी बिटवीन मींस एंड एंड्स? मींस एंड्स की एनालॉजी, अच्छा मोस्टली ने सुनी है, कुछ लोगों ने नहीं सुना हुआ. बड़ा आसान सा है, जरा सुनिएगा. आप यहां पे ऑनलाइन क्लासें क्यों ले रहे हैं? व्हाई यू आर टेकिंग दिस ऑनलाइन क्लासेस?
फॉर सीएसएस मजबूरी क्या है, वही है ना, आप आपका गोल है सीएसएस और उसके जरिए से यू हैव चोजन दिस ऑनलाइन क्लास, यू हैव चोजन द ऑनलाइन क्लास सो दैट यू कैन गो थ्रू द सीएसएस। कोई ऐसा बच्चा है जो इसलिए पढ़ रहा हो, ऑनलाइन क्लास ले रहा हो या क्लास इसलिए रहा हो सीएसएस की, सीएसएस के लिए ना ले रहा हो, नॉलेज के लिए ले रहा हो, एनीबडी? आई डोंट सी एनीबडी। ठीक है, प्लस सीएसएस, ओके फाइन, ठीक हो गया, चले मान लेते हो, बट द पॉइंट इज, हाँ नाउ द पॉइंट इज यू आर प्रिपेयरिंग सीएसएस एंड यू आर प्रिपेयरिंग दिस कोर्स, यू आर स्टडिंग दिस कोर्स बिकॉज यू हैव एन ऑब्जेक्टिव टू अचीव। सो दिस क्लास इज अ मींस एंड नॉलेज अगर गेन करना चाह रहे हैं, सीएसएस करना चाह रहे हैं, दैट इज द एंड, द एम, द गोल इज कॉल्ड एंड एंड द पैसेज, द मेथड थ्रू विच यू अचीव दैट गोल इज कॉल्ड द मींस। नाउ फॉर प्लेटोज फिलोसफी, अगर प्लेटो की फिलोसफी को देखें, देन द स्टेट इज द एंड फॉर प्लेटो, स्टेट इज द एंड, अल्टीमेट गोल है स्टेट के इंटरेस्ट, स्टेट इंटरेस्ट आर पैरामाउंट, चाहे स्टेट इंटरेस्ट के लिए उसे एजुकेशन भी दे रहा है, उन्हें शादियों से भी रोक रहा है, उनकी प्रॉपर्टी भी छीन रहा है, आप बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनको एग्जीक्यूट भी कर रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग डन फॉर हूज इंटरेस्ट, फॉर व्हाट पर्पस, स्टेट्स इंटरेस्ट। सो फॉर प्लेटोज थ्योरी स्टेट इज द एंड एंड एवरीथिंग एल्स इज द मींस, स्टेट इज द एंड एंड एवरीथिंग एल्स इज द मींस, दैट्स द आइडिया जी। दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट प्लेटोज थ्योरी। मैं इस पे एक पॉइंट और करा दूं, और वो 5-7 मिनट का पॉइंट है, और वो है प्लेटो की थ्योरी किस हद तक रेलेवेंट है मॉडर्न टाइम्स में। उसका क्रिटिसिज्म मैं नहीं करूंगा, उस पर मैं आपको एक काम दूंगा आखिर में जाके, बट लेट मी फाइनली टेक दिस पॉइंट कि प्लेटो की थ्योरी किस हद तक मॉडर्न दौर में रेलेवेंट है, फिर आई विल टेक योर क्वेश्चन जी, फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे फिर मैं लूंगा। नमाज ब्रेक लेनी है, नमाज ब्रेक का मुझे टाइम बताइएगा, मेरा नहीं ख्याल कि नमाज ब्रेक हम, लेकिन देख लेते हैं, लेट मी फर्स्ट गो फॉर दिस वन। जी ठीक है, व्हाट इज द एंड एंड मींस जी, इकरा मैंने बड़ा आसान सा है, अभी नमाज की बच्चों ने बात की, इज नमाज द एंड और इट्स अ मींस टू एन एंड, इट्स अ मींस, बिकॉज नमाज के जरिए से यू वांट टू अचीव सम गोल एंड दैट गोल कुड बी नेकियां या जन्नत या गॉड्स हैप्पीनेस या कोई भी आपका होगा, यू मस्ट हैव सम एंड टू अचीव थ्रू थ्रू दिस पेपर पास, चले जो भी है, बट इट विल ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ गोल दैट यू वांट टू अचीव। सो मींस इज जरिया एंड इज द डेस्टिनेशन। ओके, देयर इज नो टर्म फॉर हमजा, देयर इज नो टर्म फॉर दैट। लेट मी सी कि इसकी थ्योरी मॉडर्न दौर में कहां रेलेवेंट है जी। पॉइंट लिखे अपने पास, नोट कीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेटो उसकी थ्योरी अब मॉडर्न दौर में 100% तो रेलेवेंट नहीं होगी, कुछ पॉइंट्स क्या रेलेवेंट है, लेट सी। प्लेटो वॉज द फर्स्ट वन to introduce the concept of examination. State is the end and people are the means. People are the means. अच्छा, पहला मैंने उसका बताया जी मॉडर्न दौर से रेलेवेंस, एंड दैट इज दैट ही वॉज द फर्स्ट वन हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशंस। एग्जैक्टली, सारी बुधवाएं इसको जाएंगी स्टूडेंट्स के। सेकेंड, प्लेटो वॉज द फर्स्ट थिंकर हु प्रोवाइडेड एनी थ्योरी अबाउट पॉलिटिक्स। ही वॉज द फर्स्ट वन टू गिव द फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी इन पोलिटिकल साइंस। एग्जैक्टली, नेक्स्ट वन, ही वॉज द फर्स्ट वन टू हैव मेड एजुकेशन कंपल्सरी। अच्छा, वैसे मॉडर्न दौर में आप जानते हैं ना एजुकेशन मोस्टली मुल्कों में कंपल्सरी होती है, डू यू नो दैट?
he was the first one to introduce. Next, he is considered to be one of the pioneers of feminism. How is he feminist? 2 points. One, he makes education equally compulsory for women. Education compulsory karar de raha hai, which means the women must get education. Hamare log abhi tak nahi allow karte, usne usko compulsory kiya tha. Second, feminism ke andar ki dusri point. He was the one who allowed women to join military, artisans, or become even the rulers, even philosopher king bhi khatoon ho sakti hai. Dekhe na, if she can get education, it means she can pass the exam. If she can pass the exam, she can become even the rulers. Ye usne kaha nahi specifically ki wo khatoon philosopher king hogi. Usne kaha nahi hai. But if he allows the women to get education, means he allows them to become part of any class. Ye hum inference de rahe hain, acha, kyunki modern door se relate kar rahe hain. So in two buniyadon pe hum use kehte hain feminist. Give them an opportunity, equal opportunity. Yes. सेकेंड पहला पॉइंट था जी कि उनको एजुकेशन कंपल्सरी है. सेकेंड पॉइंट इज ही गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी टू गेट एनी जॉब इन द एग्जाम. इफ दे पास द एग्जामिनेशन दे कैन बिकम आर्टिजन्स आर मिलिट्री आर बिकम रूलर्स. वो कोई भी रोल सोसाइटी में प्ले कर सकती है. दे कैन इवन बिकम द किंग इन द स्टेट. इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन. नेक्स्ट, अच्छा मैंने आपसे पूछा था मिनिमम मैरिज एज कितनी है. व्हाट इज द मिनिमम मैरिज एज? 20 प्लस हो जाएगी. मतलब 21 स्पेसिफिकली ना कहें, 20 प्लस हम कहते हैं उसे, ज्यादा अच्छा हो जाएगा. बिकॉज 20 और 21 में एक साल होता है ना, बाद का पहले भी शादी हो सकती है, 20 और 21 के दरमियान में भी हो सकती है. बट द क्वेश्चन इज क्या उसके स्टेट में इज अर्ली चाइल्ड मैरिज अलाउड? नो, दैट्स अनदर कंट्रीब्यूशन. That's another contribution and relevance. So ये कुछ relevance के points हैं जी जो मैंने explain कर दिए over here. इस तरह करते हैं कि question answer लेते हैं, 13 minute के लिए question answer लेते हैं. बीच में जिन्होंने नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ के आके वो भी question कर लें, या question करके नमाज पढ़ने चले जाएं. So you can take questions जी. I will take questions for 30 minutes. आखिरी 15 minute फिर हम आगे जाएंगे. So I'm open to questions जी. आप सवाल पूछ सकते हैं. जिन्होंने नमाज पढ़नी है पढ़ लें. I will begin the next topic at 5:15. This is what is Plato's theory of ideal state जी. और यही theory, ये सारी theory republic के अंदर है. Criticism back को assignment आपको मैंने देनी है साथ, after the class. बाकी बच्चे आज मैं करता हूँ. Artisan marriage की बात की गई. I said जी those who will become artisans after failing the exam वो मैरिज कर सकते, because artisan पे communism apply नहीं होता, so they can get married after that. Last two points repeat करें. जाहिद last two points जरा बता दें कौन से points. What was the logic behind the theory of not getting married? Umera usko lagta tha, if you get married and if you own property, then the rulers can get corrupt. Nepotism aa jayegi, corruption aa jayega, and they will spend the time on family affairs, they will spend the time on property and not for the state. So state interest ke liye aur corruption se bachne ke liye wo logic deta hai. Aur he says it, by the way. Jara chat badi kar dijiyega. Okay. What happens to children of artisans? Will they go to state as well? Yes, Mustafa. वो तो artisan बच्चे तो सारे every child compulsory है ना, सारे education में जाएंगे. Whatever he we have covered is enough for Plato. I need to study more. You need to study always. ये मैंने आपको पहले भी कहा था, study जरूर करना है obviously, but topic यही पढ़ना है आपने इसी के बारे में. Marriage age, Zahid, marriage age is 20 plus for artisans. Upper class के तो marriage कर नहीं सकते. In his allegory of the cave, important, it's a part of the republic. No, Hamza, not. Sir, 437 kya hai? Plato bus to 428 ki hai, to 428 se onward jana chahiye tha hamein. Asma, different kitab sources bhi aapko different date milegi. Maine 427 date padhi hai, to maine 427 likhi hai. Aaj request thi, aap question agar public karenge na, taaki saron ko sawal ka pata chal jayega. Chat open kariyega.
मैं कर लूँ, हो जाता मुझसे? हाँ मेरे से भी हो जाता, गुड ओके. यू टोल्ड देयर थ्री स्टेजेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, प्लीज मेंशन देयर नेम्स, आई नीड टू टेली. एजुकेशन सिस्टम के, एजुकेशन सिस्टम के तीन फेजेस जो हैं वो पहला फेज बर्थ टू 18 या 20 तक भी आप कह सकते हैं एग्जाम है, 21 से 35 सेकेंड एज, 36 से 50 तक थर्ड फेज. फेज के स्टेज ना गए. टीचर्स की क्लास किस क्लास से होंगे, अहमद जमान ही डज नॉट से इट सो वी वॉन्ट कमेंट हाउ इट वॉज टेकन बाई पीपल ऑफ दैट टाइम. अगेन अहमद जमान उस वक्त ये थ्योरी आम लोगों के लिए थी नहीं, सो हाउ पीपल रिएक्टेड टू दैट, दैट्स नॉट रेलिवेंट, वो हमसे रेलिवेंट नहीं है, नाउ हमें पता है इसके बारे में. गोल इज एंड एंड मेथड टू अचीव इज मींस, यस किंजा एग्जैक्टली, गोल जो होता है वो एंड होता है और जिस तरीके से आप गोल को अचीव करते हैं दैट्स कॉल्ड मींस टू. आर वी सपोज टू गिव क्रिटिक ऑन दीज सीरीज इन एग्जाम, अगर क्वेश्चन पूछे तो यस yes, अगर ना पूछे तो नहीं. वट इज द क्रिटिसिज्म ऑन दिस थ्योरी, रेदा मैंने अभी इस पे आपको असाइनमेंट देनी है छोटी सी. जी हसान एग्जैक्टली, डायमेंशन यही होगी, इसी के बारे में आपने पढ़ना है. नो मानूर, वी डोंट नीड टू डू द स्टेट्समैन एंड लॉज, उसकी जरूरत नहीं है, वो है भी नहीं, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब ही रिपब्लिक है, उसका सारा आइडिया ही इस पे. हु विल रन द इकोनॉमी, जस्ट आर्टिजन, रिमशा ने पूछा. रन द इकोनॉमी से मतलब अगर आप रेवेन्यूज की बात करें तो रेवेन्यूज वही जनरेट करेंगे, यस, लेकिन रूलर तो रूलर्स हैं. मॉडर्न ईरा, व्हाट वाज द पॉइंट अबाउट मैरिज, मैंने कहा जी अर्ली चाइल्ड मैरिज हमारे यहाँ मॉडर्न दौर में बैन होती है, इट इज डिस्करेज्ड. उसकी स्टेट में भी मिनिमम मैरिज एज है वो 26 इयर्स है. व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ वुमेन विद फिलोसोफर किंग, उमर, इफ वुमेन कैन गेट एजुकेशन इट मींस दे कैन बिकम द फिलोसोफर किंग. पॉपुलेशन कंट्रोल का फैक्टर भी हो सकता है, आकिब ठीक कह रहे हैं लेकिन ये इस तरह से लिखेंगे नहीं. इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, रिदा मैंने कल बताया था आपको क्वेश्चन, आई स्टार्टेड विद दैट मेरे ख्याल में, अगर आपको नहीं याद तो प्लीज कमेंट करिएगा, कोई बंदा प्लीज लिख दे, मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें. कॉमन ओनरशिप ऑफ फ्रॉम कम्युनिज्म फैमिली, कॉमन ओनरशिप ऑफ फैमिली जो जी ना सर, इफ ऑल प्रॉपर्टी विल बी ओन्ड बाय द आर्टिजंस वोंट दे फाइट टू गेट मोर बिकॉज दे ऑलरेडी हैव डिजायर एज देयर डोमिनेंट इंस्टिंक्ट. यस आशा दे कैन एंड दैट्स व्हाई देयर इज मिलिट्री एंड दैट इज व्हाई देयर इज द रूलर्स एंड दे विल कंट्रोल देम. लेकिन उसने ये कहा नहीं है वैसे. डू वी नीड टू रीड मोर ऑन फिलोसोफर किंग एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक नहीं, रिपब्लिक में अगर आप पढ़ेंगे तो जस्टिस पढ़ेंगे, एजुकेशन और कम्युनिज्म, नॉट मोर देन दैट. और फिलोसोफर किंग तो ऑब्वियसली फिलोसोफर किंग, देखें फिलोसोफर किंग के अंदर इंस्टिंक्ट होगी ब्रॉडली स्पीकिंग विजडम की, वो एजुकेशन में आता जाएगा, बर्थ से एग्जाम में जाएगा, एग्जाम पास करेगा, दूसरे एग्जाम पास करेगा, तीसरे में कंप्लीट करेगा और फिलोसोफर किंग बन जाएगा. जब फिलोसोफर किंग बन जाएगा तो वो फैमिली नहीं रख सकता, वो प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, बात वही है सारी की सारी, आपने उसी को रिफ्रेस करना है. आई हैव बुक यस जुल्फकार, इट इज एनफ. कोई एक किताब आप लोग ले लेंगे जी, उससे पढ़ेंगे आप लोग, कोई एक किताब. सर क्या आपकी बुक में भी ये सब डिटेल से लिखे हैं विच यू आर टेलिंग क्लास, यस नासिर लिखे हैं. सर प्लीज इफ यू कुड टेल अस हाउ टू स्टडी फॉर दिस सब्जेक्ट, डू वी नीड टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट लाइक करंट अफेयर पेपर, क्रिटिकल एनालिसिस टाइप एंड थ्री, तो सेम ही होगी जी. हमारा कल आप थी, मतलब कमेंट कीजिएगा, कल मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई थी हाउ टू गेन मोर मार्क्स, आप वो टेक्निक्स अडॉप्ट करेंगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे. बाकी क्रिटिकल अप्रोच यहाँ पे नहीं होती, अगर पूछे तो होगी वरना नहीं होगी. इसमें एक ही डायमेंशन सवाल आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन की वर्डिंग जो मर्जी कर ले, प्लेटो पे सवाल आपने जस्टिस एजुकेशन और उसका ही लिखना है सारा. सर आपने एक फिलोसोफर किंग का क्वेश्चन भी बताया था, उसको कैसे रिलेट करना है, किरण मैंने अभी रिलेट किया वैसे उसको, यस माय बुक इज एनफ टू रीड. जी साथ मेरे ख्याल में मैंने सवाल का जवाब अभी क्लियर कर दिया. इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट इन हेडिंग्स, बट अगर आप पैराग्राफ में लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, बट इट्स बेटर टू राइट इन हेडिंग्स. जी कैन वी राइट ऑल दिस इन, जी ठीक हो गया शुमायूं मैंने. आइडियल स्टेट, फिलोसोफर किंग एंड द रिपब्लिक, जी
हमजा ने पूछा व्हाई ही डिडंट ड्राफ्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट. हमजा क्यामत वाले दिन मिलेगा तो मैंने जरूर पूछना उससे, बट मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं पता. ही डिड नॉट राइट इट. हम बस एक ही बात है, जो उसने कहा है हम बताएंगे, जो उसने नहीं कहा हम नहीं बताएंगे. वी डोंट नो. उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन रिटन का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था वैसे. इफ क्वेश्चन अबाउट अदर स्टेट विल आस्क देन विल राइट एवरीथिंग जस्टिस फिलोसोफर किंग एजुकेशन यस फॉर द एवरीथिंग. ओके सर फिलोसोफर किंग इज द एग्जीक्यूटिव हियर एंड अदर रूलर्स आर हिज कैबिनेट. यस रिमशा इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट एडवाइजर. उसने लास्ट पेपर में ये ना लिखेगा फिलोसोफर किंग इज लाइक द रूलर एंड द रिमेनिंग रूलर्स आर हिज एड्स एडवाइजर्स. बट जिसको आप कैबिनेट मॉडर्न दौर में कह सकते हैं, ऐसे लिखिएगा नहीं इसको. नो फरिया दे कांट, दे कांट. उसने नहीं कहा कि रिजाइन कर, उसने नहीं बताया कि रिजाइन कर सकते कि नहीं कर सकते. सो नो कमेंट्स. तो जो उसने कहा है हमने पेपर में वही लिखना है, खुद से नहीं सोचना. ओके अवैस कम्युनिज्म ऑफ फैमिली मींस द पीपल ऑफ अपर टू क्लासेस कैन नॉट हैव प्राइवेट फैमिली, आर इन अदर वर्ड्स द पीपल ऑफ अपर टू क्लासेस कैन नॉट गेट मैरिड. जी किंदर यू विल राइट ऑल दीज थ्री थिंग्स. जी ये सारी चीजें लिखेंगे. ओके ओके मेरा वो अभी किससे कहते हैं वो क्वेश्चन लिख रहे. जी तीन तरह से सवाल आ सकता है, या उसकी रिपब्लिक बुक पे जिसके अंदर ये सारी थ्योरी है, या उसकी आइडियल स्टेट पे जो सारी थ्योरी है, या उसके फिलासफर किंग पे. और फिलासफर किंग पे सवाल आएगा तो मैंने बता दिया किस तरीके से आपने रिलेट करना है. टेक्निक्स रिपीट कर देता हूँ रिमशा, कल तीन चार पॉइंट थे, अगर आप में से कोई रिपीट कर दे मैं उसको नीचे जाकर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा. अगर कोई नेकी करे नीचे लिख दे प्लीज कल की टेक्निक्स, मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटेजीज, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर अभी. जी अली सब आर्ट फ्रॉम फिलोसोफर किंग द रेस्ट ऑफ दोज हु रीच थर्ड फेज विल बी मिनिस्टर्स और व्हाट. मैंने कहा जी उसको मिनिस्टर्स कह सकते हैं, बट उसने जो लफ्ज यूज किया उसने कहा कि जी दे विल बी द रूलर्स हु विल असिस्ट द फिलोसोफर किंग, तो हम उसको एडवाइजर के सेंस में ले सकते हैं. यस जी द लास्ट हेडिंग वाज रेलेवेंस ऑफ प्लेटोस थ्योरी विद मॉडर्न टाइम्स. और उसका पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था उसकी थ्योरी का, that he was the pioneer of the modern concept of examination. Yes, Zulfikar, if it is against the family system, to hum isko kya karenge, criticism mein likh denge jo aapne point uthaya. Ikra, so do we need to read more about philosophy and republic? Yes, main reading to lazmi hai, maine aapko ek reading lazmi karni hai. Asad, if it is not available in Karachi, you can ask them, they will courier you. आप जो आपके coordinator हैं उनको कहेंगे जी आपको publisher का number दे दें, वो आप courier करवा सकते हैं. जी मैं अभी अरीम करता हूँ, वो नीचे किसी ने लिखी होगी, मैं अभी explain करता हूँ उसको. मानूर सर हाउ मेनी फिलासफर्स विल वी डू एंड वुड दिस बी सफिशिएंट फॉर एग्जाम. यस जी मानूर हम तकरीबन कुछ 10 के करीब करेंगे वेस्टर्न थिंकर्स, और मेरे ख्याल में वो काफी होंगे एग्जाम. फाइनेंसिस कहाँ से आएंगे, साजिद ने पूछा. ही डज नॉट एक्सप्लेन, वी विल नॉट राइट. What will be the question from this theory? तीन तरह के सवाल मैंने मरियम कहा, या उसकी फिलासफर किंग पे, या उसकी आइडियल स्टेट पे, या फिर उसकी रिपब्लिक के. जी ये लिखती है साथ, थैंक यू साथ यहाँ पे लिखने के लिए. ये जो लोग लेट थे जी, ये कल नहीं थे तो सुनिएगा. एक सबसे पहले करना है, आपने अपना आइडिया जैसे पूछा गया कि इकनमी कहाँ से जनरेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका अपना आइडिया जो उसने नहीं कहा हुआ आप खुद से नहीं लिखेंगे. जो उसने कहा लिख दिया, उसकी मॉडर्न से रेलेवेंस लिख दी, उस पर क्रिटिसिज्म पूछा तो लिख दिया, खुद से उसकी थ्योरी को एडिट नहीं करना. जो उसने नहीं कहा एज्यूम नहीं करना कि ये होगा, हम मोस्टली उसको एज्यूम नहीं कर रहे होते, मोस्टली एक एज्यूमशन बना लेते हैं, मोस्टली नहीं करते. सो राइट व्हाट द थिंकर सेड, डोंट राइट व्हाट यू एज्यूम्ड. दूसरी टेक्निक ये है, गिव रीजंस व्हाई थिंकर गेव दैट स्पेसिफिक टॉपिक. उसने फिलॉसफी क्यों दी थिंकर ने, मैंने शुरू में अगर आपको बताया और जस्टिस से पहले बताया था कॉन्टेक्स्ट, तो दो रीजन बताए थे कि उसने क्यों थ्योरी दी. वो कॉन्टेक्स्ट हर थ्योरी का लिखना जरूरी है. आप थिंकर को कोट कर सकते हैं, जिस थिंकर को आप पढ़ रहे हैं उस थिंकर को, या किसी और थिंकर ने इसके बारे में कुछ कहा. प्लेटो के बारे में अगर अरिस्टॉटल ने कुछ कहा होता मैं कोट कर लेता, प्लेटो ने कुछ कहा है तो मैं उसे कोट कर लूंगा, बट आई विल नॉट कोट एनीबडी एल्स. आई विल कोट, आई मस्ट कोट, बट ओनली द थिंकर एंड द रेलेवेंट पर्संस. वेयर एप्लीकेबल एट फ्लो चार्ट डायग्राम टू एक्सप्लेन द फिलोसफी. फिलोसफी को जहां पे जरूरत पड़े वहां पे आपने फ्लो चार्ट वगैरह बना लेना है, जहां जरूरत ना पड़े तो नहीं बनाना. मैंने यहां पे ऐसा कोई फ्लो चार्ट बनाया नहीं है, अरिस्टॉटल में जाएंगे तो हम एक टेबल बनाएंगे वहां पे जाकर.
जी साजिद, दैट विल बी इनफ जी, दैट विल बी इनफ। ये अवैस क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट मैं कल पूछूंगा आपसे, ये लिखा हुआ है। यस इट इज इनफ 3133322। हाउ टू स्टार्ट द आंसर किंजा विद इंट्रोडक्शन एंड देन कॉन्टेक्स्ट। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन हमेशा रखिएगा जी जिस तरह करंट अफेयर्स में होता है, यू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, जो क्वेश्चन पूछा गया उसको इंट्रोड्यूस करवाना होता है, बायोग्राफी नहीं लिखनी। हाउ टू डू क्रिटिसिज्म साजिद ये बताऊंगा अभी। हु रिजेक्टेड इज थियरी, रिदा ने पूछा। अनिता क्रिटिक्स नाम कोई नहीं है, एवरीबॉडी इवन अरिस्टोटल क्रिटिसाइजेस हिम, उसका शागिर्द उसे क्रिटिसाइज करता है। माई बुक नेम, आई डिड नॉट राइट दैट बुक जी, आई कंपाइल्ड इट, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पोलिटिकल साइंस। किसी के पास तस्वीर पड़ी है, शेयर कर दें यहाँ पर। फातिमा आफ्टर द क्लास यू कैन कॉल द कोऑर्डिनेटर, वो मुझसे बात करवा देंगे आपकी। अच्छा यार मुझे पता नहीं था ना 3-1, तो मैंने इसी कह दिया, सॉरी अमीर हमजा, अमीर हमजा, अमीर हमजा, मुझे वो उसी कहानियों से याद है। जी रिमशा आई विल एक्सप्लेन एवरी कॉन्टेक्स्ट जी, मैंने अभी इसका भी एक्सप्लेन किया था, अगले का भी करूंगा, दूसरे की भी लिख सकते हैं जो ना, दोनों की लिख सकते हैं, उसकी अपनी भी किसी और की भी। आई डोंट गिव असाइनमेंट्स एज सच मरियम, बट आई विल गिव यू ओकेजनल, थोड़ा थोड़ा काम दूंगा आपको। इफ यू कुड लेट अस नो द स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, हमारा एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऑफ आंसर का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन जिस तरह का होगा उसके हिसाब से स्ट्रक्चर होगा। अगर क्वेश्चन होगा कि उसके थ्योरी को एनालाइज करें, आइडियल स्टेट को लिखें, तो ऐसे लिखेंगे। अगर पूछे मॉडर्न से रेलेवेंस, थ्योरी के बाद रेलेवेंस लिख दें। अगर पूछे क्रिटिसिज्म, थ्योरी के बाद क्रिटिसिज्म लिख दें। तो थ्योरी कैसे स्ट्रक्चर करनी है वो मैंने आपको बता दिया। मैंने वो देखी नहीं आयशा रहमान, सो आई डोंट कमेंट ऑन दैट, आई एम सॉरी, मैंने उसमें कंटेंट्स नहीं देखे हुए, सॉरी। चलें जी अगले टॉपिक में, आई गेस आई हैव टेकन ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस। ये अवैस थैंक यू जी, एग्जैक्टली ओ थैंक यू उमर फॉर शेयरिंग दिस डिटेल थिंग जी। अच्छा अब आते हैं जी क्रिटिसम पे। क्रिटिसम पे आपने काम करना है बेस्ड ऑन दी थ्योरी आपने जो देखी है, आपने घर से जाके पढ़ना है इसको, और पढ़ने के बाद क्रिटिसम के सिर्फ पॉइंट्स आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में बताने हैं। यू विल टेल मी द पॉइंट्स, और उसमें कोई ऐड करने वाला पॉइंट हुआ तो मैं ऐड करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिलोसोफर किंग एंड द रूलर, नेता दोज हु विल पास द एग्जाम, पास तो नहीं, दोज हु विल कंप्लीट 50 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, दे ऑल आर कॉल्ड रूलर्स, रूलर्स प्लूरल, और उनमें से कोई एक होगा जो फिलोसोफर किंग बन जाएगा। मंदूरी मेरी पिक्चर है एक्चुअली। ओके लेट्स मूव जी, लेट्स गो टू अरिस्टॉटल। ये मेरी फ्यूचर की पिक्चर है, फ्यूचर वाली। आपने सिर्फ और सिर्फ प्लेटो का क्रिटिसिज्म पढ़ना है जी उसका। ये सारी चीजें कम्युनिज्म का पार्ट है, जस्टिस भी कम्युनिज्म का पार्ट है, एजुकेशन भी है, कम्युनिज्म भी है, और ये मिलाकर बनते हैं आइडियल स्टेट। ओके शुड वी मूव जी प्लीज, चलें। जो किताब आपके पास है आप उसमें से पढ़ लें, मेरी किताब है, कोई किताब है, यू कैन रीड इट जी, जो किताब आपके साथ मौजूद है। ओके लेट्स मूव जी। यस किंजा, यस आंसर इज यस। ओके अरिस्टॉटल, Aristotle was born in 384 BC and he died in 322 BC. ये डेट ऑफ बर्थ जरा करेक्ट कर लीजिएगा जी। होमवर्क आपका ये है जी, आपने क्रिटिसिज्म को उसके पॉइंट्स शॉर्टली नोट करके बताने हैं। सही है, गुड। Aristotle was
अरिस्टोटल वॉज, इसकी हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे आप बताएं, फॉर्मेट क्या होगा जो बच्चे नए हैं उनको समझाने के लिए? जी मुस्तफा, यही है सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? नहीं, बायोग्राफी से, हम पहले बायोग्राफी पढ़ेंगे जो पेपर में नहीं लिखनी, सिर्फ बायोग्राफी पढ़ेंगे, आपने पेपर में लिखनी उसको नोट करना है बस। ओके, अरिस्टोटल वॉज बॉर्न इन एथेंस, नहीं सॉरी, ही वॉज बॉर्न इन मैसिडोनिया, मैसिडोनिया का नाम पिछले साल 2019 में चेंज हुआ जी, और उसका नया नाम रख दिया गया नॉर्थ मैसिडोनिया, बट 2019 में जब वो पैदा हुआ था तो उस वक्त नाम मैसिडोनिया ही था। सो ही वॉज बॉर्न इन मैसिडोनिया, हिज फादर वॉज अ फिजिशियन, डॉक्टर थे उसके फादर, विद हुम ही गॉट हिज बेसिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, विद हुम ही गॉट हिज बेसिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। लेटर ऑन He was sent to Athens for higher education. उसे एथेंस भिजवाया गया एजुकेशन के लिए। In Athens, he became a student in academy. Academy क्या है? What is academy? World Times Academy नहीं है, अच्छा। Plato's, exactly. Exactly. Plato's educational institution. So, in other words, he joined academy means he became the student of Plato. Wo Plato ka student ban gaya. He remained Plato's student until his death. Plato ki death tak, he remained part of this institution. After the death of Plato, Aristotle felt liberty and he started traveling. After the death of Plato, he felt free, he felt liberty, he started traveling. The purpose of travel was to observe and study different political systems. Is point ko underline kar dein. The purpose of this travel was to observe and study different political systems. He also went to his home in Macedonia, wo Macedonia bhi gaya, where he became the teacher of Alexander the Great. Suna hua Alexander ka naam? क्या कहते हैं, सिकंदर आजम कहते हैं उसको। सो ही अलेक्जेंडर वॉज अ टोटलर एट दैट टाइम, वो छोटा बच्चा था और उसको बचपन से आप जिसको एबीसी कहते हैं, ही टॉट हिम व्हेन ही वाज अ यंग गाय, सिकंदर आजम। लेटर ऑन अरिस्टोटल रिटर्न टू एथेंस, लेटर ऑन अरिस्टोटल रिटर्न टू एथेंस वेयर ही एस्टेब्लिश्ड हिज ओन इंस्टीट्यूशन which is called Lyceum. Which is called Lyceum. आप सुना हुआ है अमेरिकन लाइसियम, मुझे नहीं पता कराची में होते हैं नहीं होते, बट लाहौर लाइसियम होते हैं, अमेरिकन लाइसियम। तो ये लाइसियम की वर्ड जो है, ये पहला इंस्टीट्यूशन था उसका, सर कराची में बहुत ज्यादा है, अच्छा स्कूल भी है, यहां स्कूल ही है वैसे, लाइसियम तला गंग में भी है। गुड, ओके, लेस्टर फोर है, लेस्टर फोर जगह, हाँ लाइसियम, अच्छा खैर लाइसियम है जी, लाहौर में तो लाहौर लाइसियम है और अमेरिकन लाइसियम है, ब्रिटिश लाइसियम भी है शायद, पता नहीं, आई डोंट नो। खैर, इन लाइसियम अरिस्टोटल स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ रीडिंग, राइटिंग एंड टीचिंग। In Lyceum, Aristotle spent most of his life teaching, reading, and writing. Just before his death, he returned to Macedonia. मौत से कुछ पहले, कुछ साल पहले, वो वापस आ गया था दुनिया में, वहीं पर उसकी डेथ हुई मैसिडोनिया में। Anyhow, Aristotle's most important work
Aristotle's most important work is called Polis, which is translated as the politics as well as the state. इसका तर्जमा state भी किया जाता है और इसकी translation politics के नाम से भी की जाती है. That is the most important book. It's not the only book that he wrote, but this is the most important book that he wrote. Is it clear, जी? Is it okay? जी, फायदा पुलिस, पुलिस ना लिखिएगा, बाकी है. लेट्स सी द क्वेश्चन किस तरह से आता है यहां पे. अरिस्टोटल पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? पुलिस मीनिंग स्टेट आर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स आर स्टेट. ओके, नाउ इस पे सवाल किस तरह से आ सकते हैं जी? मोस्टली द क्वेश्चन ऑन अरिस्टोटल इज अबाउट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट. पता था मुझे, इसीलिए मैंने कहा पुलिस ना लिखे. देखा, किसी बच्चे ने लिखा था पुलिस. नो नो हरीम, नॉट पोलिटिक्स वॉज नॉट, मैं पोलिटिकल फिलोसफी की बात करूं, पोलिटिक्स वॉज नॉट रिलेटेड टू पोलिटिकल फिलोसफी, बाय द वे. इट वॉज डिफरेंट, इट वॉज अ जनरल फिलोसफी. पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली इसको हम बात करें. नाउ इसमें जो सवाल आता है जी, इट इज अबाउट द स्टेट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट. State and his classification of state. Less likely, but एक जुमला बोला जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है, और इस क्वेश्चन को आप खुद आंसर करेंगे एट द एंड, और मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको इनडायरेक्टली पढ़ाऊंगा. और उसने जो एक जुमला बोला जाता है, that Aristotle is the greatest but ungrateful student of Plato. फेम ये लिखे, मैं दोबारा बताता हूं उसको. अरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो. इन अदर वर्ड्स, इसका मतलब ये होता है दैट वो उसका सबसे पॉपुलर वेल नोन स्टूडेंट था, लेकिन नाफरमानबरदार था. नाफरमानबरदार से मतलब ये है कि क्रिटिक था. एग्जैक्टली आशा, ही वॉज द क्रिटिक ऑफ प्लेटो. पहला सवाल मैंने कहा, जो आसान यूजली सवाल है, उसकी थियरी ऑफ स्टेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट. जो दूसरा सवाल है, ही इज द ग्रेटेस्ट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो. इज क्लियर जी? मुझे पता, आप लोगों की 5:30 पे क्लास होती है. इज क्लियर? यस, आप भी अनग्रेटफुल स्टूडेंट हैं, गुड. थैंक यू उमर फॉर वेरी इंटरेस्टिंग कोट. थैंक यू. ओके जी, बस आपको मैं और कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहा. सेकेंड क्वेश्चन की लॉजिक बेसिकली ये है कि सबसे पॉपुलर स्टूडेंट था प्लेटो के, बहुत सारे स्टूडेंट थे, बट उनमें सबसे बड़ा नाम अरिस्टोटल का ही है. लेकिन अरिस्टोटल सबसे मशहूर शागिर्द तो था, लेकिन मसला ये था कि उसने प्लेटो की थीरी को माना नहीं. ही एक्चुअली वॉज क्रिटिकल ऑफ प्लेटोज थीरी. अच्छा, एक और जुमला बता दूँ जी थोड़ा सा. आप शायद जानते हैं हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है जिसको हम पढ़ रहे हैं. पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस का फाउंडर अरिस्टोटल है. ही इज द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो मेरे सब्जेक्ट का जो उस्ताद है बेसिकली वो अरिस्टोटल है. इज क्लियर? बल्कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बाबा ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक्जेक्टली कह सकते हैं. इसकी वजह से पढ़ना पड़ रहा है, और अगर नंबर आए तो इसकी वजह से नंबर आएंगे, नहीं आए तो इसकी वजह से नहीं आएंगे. ओके जी, गॉड ब्लेस यू, बी सेफ, एंड सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. हम रिसोर्ट को फिनिश करेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.